बेटा नहीं थी, मैं पुलिस का सीसीटीवी नहीं है। आप बचा, आप सर ऐसा नहीं कर सकते। मैं सर नॉर्मल बात, मैं इतने लोगों के सामने बात कर रही हूँ। सर मैं मारी हूँ क्या? पढ़ी कोई लड़की हो? मैं मारी हूँ क्या इसको? भाई सामने से हाथ, सामने से हट जा, फिर लगाएंगे। बेटा मोबाइल थोड़ा रखना यार। बस 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 कोने पे लगा, कोने पे लगा दे। थोड़ा सा यूं हो जाओ सर तो बढ़िया रहेगा। हाँ अरे इधर खड़े हो। मम्मी का है यहाँ पे, बोल दिया।
बोल रही है, इसका नाम तो ऐसे लिखा है, टेंशन मत ले, सबसे मुख्य में तेरा भी लिखा है, टेंशन मत लेना, छोड़ूंगी नहीं तेरे को, इंचार्ज का बोला, इंचार्ज जो ये औरत यहाँ पे बुलाते हैं, छोड़ो बाबा, वो उसके बुड्ढी को गायब कर देंगे, बुड्ढे बुड्ढे बेटा इधर बेटा नीचे रख, हमको काम करना है, वो बात लेट आई थी, मेरे मुरादे में आई, फोन लगाने में आई, आज कैसे आ गई, वो छुट्टे उधर बैठ गई, अच्छा आना आना लेकिन सामने नहीं आना, मर जाएंगे ऐसा निकल जाएगा, अरे डिग्री नहीं बता पा रही, छुट्टी है एक नंबर की, इसका नाम लिखना चाहिए, अगर तू कैमरा नहीं चलाती तो कल छूट क्यों बोली, कौन तो सामने को किसने वाला चल, बुला छुट्टे को बुला ये वो मेरे लिए, चल बुला उसको, हाँ बोलो हाथ बोल लगा उसको, बोल डिग्री का साल बता, साल बता, पढ़ी लिखी है, पीटी आई है, अरे तुझे खुद को नहीं आता, क्या सिखाती होगी तू बच्चे को, क्या सिखाती है, बोल क्या पीटी आई में क्या सिखाया, बता एक्सरसाइज कराया दिखा, पीटी आई ना रनिंग करके दिखा, ना खड़ी होकर दिखा, कैसे करेगी ब्रिस्क वॉक करके बता, रस्सी पकड़ के दिखा, अरे कूदना कूदना पीटी आई है ना कूद, अरे शर्म आ रही है क्या, मोटा शरीर है इसलिए, हाँ कूद के बता, पीटी आई इतना मोटा होता है क्या, कौन सा पीटी आई है, कहाँ से निकल के आई है, कहाँ से आई है, यूनिवर्सिटी का नंबर दे, निकल डिटेल निकाल, है मेरे पास, बोल कहाँ कौन से बेस पे करा था, साल बोल, ले बेटा किसका बच्चा, पेरेंट्स हैं भाई, जो पेरेंट्स हैं वो रहे पाकिस्तान, हाँ है बच्चा, मतलब बच्चा ले चाल लो, वो कोई बात नहीं, वो यही की बात है, क्या बात है, बारह बेटा, बड़ा बड़ी कार्रवाई की है, इस स्कूल से संबंधित जो विवाद हुआ था, जिला प्रशासन ने 5 दिन का बंद शायद उसको सील किया है, क्या कार्रवाई की है जिला प्रशासन, देखिए जो पालक यहाँ पर उपस्थित हुए थे स्वाभाविक रूप से उनको जो है बहुत आक्रोश था घटना को लेकर, और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है ऐसा आक्रोश होना, उन लोगों की कुछ डिमांड थी स्कूल प्रशासन को लेकर, डिमांड वो कंप्लीट करना चाह रहे थे, उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन जब तक सभी पेरेंट्स से वन टू बात करके उनको फुली सेटिस्फाइड नहीं करता है तब तक स्कूल रन ना वो करे, और स्कूल प्रशासन उसके लिए एग्री भी है, और वन टू बात करने के बाद में जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और उनको लगेगा कि सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर सुनिश्चित कर लिए गए, उसके बाद से वो बच्चों को यहाँ पर भेजने के लिए राजी, देखिए डेज तो नहीं, प्रशासन की मांग थी कि 5 डेज तक एटलीस्ट वो बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर जो है ताला लगाया है, सील किया है उसको, कि जब तक सिक्योरिटी की प्रॉपर इंतजाम मैनेजमेंट नहीं कर लेता और सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर देता पालकों को, तब तक वो स्कूल रन नहीं करेगी। निश्चित रूप से जैसे भाई ने कही है, और जितने अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में इनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये चाहे तो स्टेटमेंट जो अभिभावक है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी भी बात जो है वो सुनी जाए और हमारे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाए, अगर हमको भी संस्था से कहीं ना कहीं पर शिकायत है तो वो शिकायत भी आप स्वतंत्र है दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जहां पर आपने कहा है कि उसकी सजा के लिए मापदंड, जिसमें हम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस केस को जल्द से जल्द जो है सजा के रूप में ले आया जाए, और हम अपना इन्वेस्टिगेशन विद इन 15 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है, वो चाहे तो आकर थाने में या हमारे एसपी ऑफिस में आकर ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जा रही है इसको आप देख सकते हैं। हमारे जितने जो अभिभावक आए हैं, यदि वो चाहे अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्र, अगर आप थाने आने में विवश हैं, अगर नहीं आ सकते, एसपी ऑफिस आपके लिए खुला है, आप एसपी ऑफिस आइए, अपने बयान दर्ज कराइए,
अगर आपको जो भी शिकायत होगी जिस व्यक्ति से भी होगी ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको वो कार्रवाई उस व्यक्ति पर 100% होगी। चला क्या मांगे थी पेरेंट्स को और क्या कार्रवाई करेंगे? बोलो। इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिस कार्यक्रम में यहाँ पर अभिभावकगण उपस्थित हुए थे जो स्कूल के आए हुए थे और इनकी ये मांग थी कि जो है कि जिस तरह जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसी तरह जो है संचालक और जो है इनके जो है पदाधिकारियों के विरुद्ध भी जो है प्रकरण में उनको अगर संलिप्तता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, इस तरह की इनकी मांग थी और साथ में सिक्योरिटी को लेकर भी इनकी मांग थी और उसके अलावा जो है 3-4 चीज़ें और मांगे इनकी रखी गई थी। उन सभी चीज़ पर फोकस करते हुए इनको बताया है यदि जिनकी भी जो जो शिकायतें हैं यदि आपको लगता है कि इनके विरुद्ध जो भी शिकायतें हैं आप स्वतंत्र हैं आइए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं और हम उनके विरुद्ध भी एक्शन लेने के लिए सक्षम। अभी स्कूल सील कर दिया 5 दिन के लिए। अभी इसमें जो है SDM साहब और ADM साहब यहाँ उपस्थित हुए थे उनके द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है उस आधार पर ही आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये प्रशासन बताएगा। कितने दिन के लिए सील किया है? अब इसमें ये तो जिला प्रशासन ही बता पाएगा कि इसमें कितने दिन के लिए सील किया है। हम लोग के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन में चूंकि हम लोगों ने त्वरित रूप से जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई हमने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया था और तत्काल ही कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो है प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में यदि और भी ऐसे तथ्य आते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रदर्शन जो हो रहा था हंगामा वो खत्म हो गया? हाँ अभी वो खत्म हो गया, उनको समझाइश दे दी गई है। अरे भैया एक बोलो, अपनी बात सुन नहीं आए, हम चिल्लाने से हल कर लेंगे। अपराधी जेल बहुत गया है। सुनो।